हेलो बच्चों आज मैं आप लोगों को क्लास एट्थ का जो मैथ्स का आपके पास एन का चैप्टर नंबर टू है ना लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल तो वो कराने वाली हूँ चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जिसकी हमने एक्सरसाइज टू पॉइंट वन अपनी कम्प्लीट कर ली है टू पॉइंट टू के भी हमने क्वेश्चन नंबर वन टू टेन कम्प्लीट कर लिए तो चैनल पर अपलोड है साथ के साथ एक प्ले बनी हुई है क्लास एट्थ की अलग से तो आप वहाँ से कर सकते हैं चैप्टर वन भी हम ऑलरेडी आपका एन का कम्प्लीट कर चुके हैं तो वो भी आप कर सकते हैं ठीक है तो इसका मतलब आज हम आपको तो शुरू करते हैं फिर तो अगर आप यहाँ क्वेश्चन नंबर इलेवन देखें इसमें आपसे क्या कह रहा है? भाईचूग फादर इज ट्वेंटी सिक्स ईयर्स यंगर देन भाईचूग ग्रैंड फादर एंड ट्वेंटी थ्री इज वन थर्टी फाइव वट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आ जाता है कई बार एग्जाम में आपको यहाँ पर तीन जने दे रखे हैं एक फादर है एक सन है और एक ग्रैंड फादर है ठीक है तो तीनों की एज का सम आपको दे रखा है वन थर्टी फाइव है और तीनों की एज में एक रिलेशन भी दे रखा है साथ के साथ अब आपसे क्या कह रहे हैं तीनों की एज अलग अलग निकालो कि है कितनी क्योंकि डायरेक्ट एज आपको किसी की भी नहीं दे रखी है तो आपसे कह रहा है कि जो भाईचूम के फादर है ना वो ट्वेंटी सिक्स ईयर यंगर हैं उसके ग्रेंड फादर से पर मुझे तो ग्रैंड फादर की एज ही नहीं पता ठीक है एंड ट्वेंटी ओल्डर है किससे भाईचूंग से? ना मुझे भईचूंग की एज पता तो मैं ऐसा करती हूँ उसकी एज को फिर एक्स मान लेती हूँ पहले तो मैं यहाँ पर लेट कर सकती हूँ तो जब भी कुछ ना पता हो लेट कर लिया हमने यहाँ ठीक है तो लेट कर लेती हूँ मैं यहाँ पर भाईचूंग्स एज भी एक्स इयर्स ठीक है तो फिर इसके फादर तो इससे ट्वेंटी नाइन बड़े थे ना तो फिर फादर की एज कितनी हो जाएगी यहाँ पर फादर्स एज होगी यहाँ पर एक्स प्लस ट्वेंटी और जो इसके ग्रैंडफादर फादर हैं वो उसके फादर से भी ट्वेंटी सिक्स ईयर बड़े थे है ना तो उसके ग्रैंड फादर की एज कितनी हो जाएगी वो जाएगी x प्लस ट्वेंटी नाइन प्लस ट्वेंटी सिक्स तो इसका मतलब x प्लस फिफ्टी फाइव ईयरस हो जाएगी तीनों की एज निकाल दी ये समझ में आ गया तीनों की एज कैसे निकाली अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों की एज का सम मुझे यहाँ वन थर्टी फाइव दे रखा है इसका मतलब एक्स एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन उसके फादर की एज और एक्स प्लस फिफ्टी फाइव उसके ग्रैंड फादर की एज तीनों की एज का सम वन थर्टी फाइव है अब एक्स वालों को एक्स वालों के साथ ही प्लस करो तो थ्री एक्स आ जाएगा ट्वेंटी नाइन में आप क्या करो फिफ्टी फाइव को प्लस कर दो तो यहाँ पर आपके पास सेवन और एक एटी फोर आ जाएगा बस अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो पहले एटी फोर हटाना पड़ेगा आपको यहाँ से ये यह प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा तो थ्री एक्स इज़ इक्वल्स टू जब आप माइनस करेंगे तो फिफ्टी वन आ जाएगा अब थ्री मल्टीप्लाई का है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड का हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास सेवनटीन ईयर्स इसका मतलब जो भईचुंग था ना उसकी एज है सेवनटीन ईयर वो कितनी है सेवनटीन ईयर्स अब जो उसके फादर हैं वो उससे ट्वेंटी नाइन ईयर्स बढ़े हैं तो फादर्स एज कैसे निकलेगी वो हो जाएगी मेरे पास सेवनटीन प्लस का ट्वेंटी नाइन तो फोर्टी सिक्स ईयर्स और जो उसके ग्रेंड फादर हैं वो उसके फादर से ट्वेंटी सिक्स ईयर बड़े हैं तो फिर ग्रैंड फादर्स एज कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर फोर्टी सिक्स प्लस में ट्वेंटी सिक्स क्योंकि वो उससे ट्वेंटी सिक्स ईयर बड़े थे तो ये हो जाएगी मेरे पास सेवेंटी टू ईयर्स तीनों की एज अलग अलग ली थी वो हमने यहाँ पर निकाल ली क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे आते हैं कहीं भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ लेना ठीक है अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं फिफ्टीन ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि विल बी द फोर टाइम्स हिज प्रेजेंट एज वट इज़ द रविज प्रेजेंट एज तो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है एक रवि है वो फिफ्टीन ईयर्स फ्रॉम नाउ आज से पंद्रह साल के बाद ना चार गुना हो जाएगा अपनी आज की एज के तो बताओ फिर रवि की आज की एज कितनी है अभी आज की एज तो मुझे पता ही नहीं है कि कितनी है तो पहले आज की एज को फिर एक्स मानना पड़ेगा प्रेजेंट वो जाएगी मेरे पास एक्स इयर्स अब आज से पंद्रह साल आगे भी तो जाना है फिर मुझे तो आफ्टर फिफ्टीन ईयर रविज एज

हो तो गया थ्री एक्स क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो वन होता है ठीक है अब ये थ्री मल्टीप्लाई का है दूसरी साइड जाके ये डिवाइड का हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई फाइव और एक्स क्या माना था रवि की प्रेजेंट एज तो निकल गई तो रवि प्रेजेंट एज इज इक्वल टू तो फाइव ईयर्स तो रवि फाइव ईयर्स का है आज क्लियर है क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन थर्टीन पे आते हैं यहां आपसे कह रहे हैं A rational नंबर is such that when you multiply it by फाइव बाई टू एंड एड टू बाई थ्री टू द प्रोडक्ट यू गेट माइनस सेवन अपॉन ट्वेल्व वट इज़ द नंबर अगर आपको याद हो ऐसा एक सिमिलर सा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर वन भी किया था इसी एक्सरसाइज का है ना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो एक बार आप वो भी कर लेना वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपसे क्या क्या रहे हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं एक रैशनल नंबर है जो आपको नहीं पता क्या है वो इस तरीके से है अगर आप उसको फाइव बाई से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद उसमें टू बाई थ्री को प्लस कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस सेवन आ जाएगा तो सबसे पहली बात ना उस नंबर को लेट करो तो यहाँ लिख दो लेट तो नंबर भी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं यहाँ देखू वो मुझसे कह रहा है इसमें आप फाइव बाई टू को क्या करो मल्टीप्लाई करो ठीक है और जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आप प्लस कर दो टू बाय थ्री को तो आपका आंसर कितना आएगा माइनस सेवन बाई ट इजिकल टू के बाद ही तो लिखोगे आंसर ठीक है ना तो ये हो जाएगा मेरे पास फाइव एक्स अपॉन टू प्लस यहाँ हो जाएगा टू अपॉन थ्री यहाँ हो जाएगा माइनस सेवन अपॉन x की वैल्यू निकालनी है तो पहले इस टू अपॉन थ्री को दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये प्लस का है दूसरी साइड पे आके माइनस का हो गया पर ये माइनस तो नहीं हो सकता क्यों क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले मैंने क्या किया इनके डिनोमिनेटर ही सेम कर दिए फोर से इन करके तो ये हो गया फाइव एक्स अपॉन टू यहाँ आ जाएगा माइनस सेवन अपॉन टू फोर जा एट अपॉन जाएगा फाइव एक्स अपॉन टू अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए तो एक ही बार लिख दिया माइनस सेवन और माइनस एट है मिलके माइनस फिफ्टीन हो जाएगा ठीक है ना अब इस टू से इसको कट किया सिक्स आ गया इस फाइव से इसको कट किया थ्री आ गया आप आमने सामने कट कर सकते हो बट एक एक ही टर्म होनी चाहिए तभी यहाँ बचा एक्स यहाँ बचा माइनस थ्री अपॉन सिक्स ठीक है इसको इससे कट कर सकते हैं तो ये आ जाएगा एक्स आ गया वन अपॉन टू माइनस का तो नंबर क्या आ गया आपके पास नंबर आर माइनस वन अपॉन टू आपको नंबर ही इस क्वेश्चन में फाइंड करना था क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर थर्टीन कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना ठीक है सारे ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चलिए क्वेश्चन फोर्टीन पे आते हैं यहां आपसे क्या कह रहे हैं लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक शी हैज़ अ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशंस रुपीज़ हंड्रेड रुपीज़ फिफ्टी एंड रुपीज़ टेन रिस्पेक्टिवली रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट इज़ टू रेशो थ्री रेशो फाइव द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ रुपीज़ फ़ोर लैक हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी एक गर्ल है लक्ष्मी वो बैंक में जो है ना वो कैशियर है तो उसके पास जो नोट है ना वो किस फॉर्म में है हंड्रेड के नोट है उस पर फिफ्टी के और टेन के नोट है जो ये नोट है अब मुझे ये नहीं पता हंड्रेड के नोट कितने हैं 50 के कितने और 10 के कितने हैं लेकिन उनकी रेशो पता है मुझे यहाँ टू रेशो थ्री रेशो फाइव में है ठीक है और टोटल जो कैश है उसके पास जब वो सारे नोट्स को ऐड करेगी तो टोटल कैश उस पर फोर लैख का है अब आपको ये बताना है कि उस उसपे कितने कितने नोट हैं मतलब हंड्रेड के कितने नोट हैं फिफ्टी के कितने हैं और टेन के कितने हैं वो आपको बताना है तो लेट करना पड़ेगा फिर तो यहाँ लेट कर लो लेट नंबर ऑफ नोट्स भी हंड्रेड वाला मैंने टू एक्स मान लिया फिफ्टी वाला मैंने थ्री एक्स मान लिया और टेन वाला मैंने फाइव एक्स मान लिया ठीक है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैंने यहाँ पर देखूँ तो जो टू एक्स है उसको हंड्रेड से इंटू करूंगी क्योंकि वो हंड्रेड रुपी वाले नोट थे जो थ्री एक्स है वो किससे इंटू करूँगी फिफ्टी से इंटू करूँगी और जो फाइव एक्स है उसको टेन से इंटू करूँगी तभी तो हम पैसे काउंट कर पाते हैं मैं अगर आपसे बोलूँ टेन रुपीज़ के आप पे ट्वेंटी नोट्स हैं तो आपने टेन इंटू ट्वेंटी करोगे तभी तो आपको पता चलेगा आप पे टू हंड्रेड रुपीज़ है तो वही चीज मैंने यहाँ की है ठीक है और जब इन सबको जोड़ दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास टोटल फोर लाख रुपीज है क्लियर है अब यहां पर आ जाएगा आपके पास टू हंड्रेड एक्स यहां पर आ जाएगा थ्री फाइव या फिफ्टीन वन फिफ्टी एक्स यहाँ आ जाएगा आपके फिफ्टी एक्स इज इक्वल्स टू में ये फोर लाख आपका ऐसे ही लिखा हुआ है अब जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड और एक फोर हंड्रेड आ जाएगा यहाँ पर ये यह एक्स ऐसी है अब x की वैल्यू निकालनी है 400 हंड्रेड मल्टीप्लाई का है तो इस साइड आके आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा दो जीरो से दो जीरो कट कर दी इसको इससे कट किया वन थाउजेंड आ गया एक्स आ गया वन थाउजेंड पर मुझे ये बताना था कि कितने नोट हैं लक्ष्मी के पास ठीक है तो हंड्रेड रुपीज़ के कितने नोट होंगे रुपी हंड्रेड नोट उस पर कितने होंगे फिर वो मैंने माने थे टू एक्स तो इसका मतलब टू इन में थाउजेंड तो टू थाउजेंड नोट्स है और रुपीस फिफ्टी के कितने नोट्स हैं उसके पास वो मैंने माने थे यहाँ पर कितने थ्री एक्स तो ये आ जाएगा यहाँ पर थ्री इंटू में थाउजेंड तो थ्री थाउजेंड नोट हैं उसके पास कितने फिफ्टी रुपीज़ के और टेन रुपीज़ के नोट कितने थे उसके पास फाइव एक्स तो फाइव इंटू में थाउजेंड लिख दूंगी फिर मैं यहाँ पर तो वो मेरे पास आ जाएगा फाइव थाउजेंड ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्लियर है चलिए आते हैं क्वेश्चन फिफ्टीन पे यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कह रहे हैं आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज थ्री हंड्रेड इन कॉन्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपी वन रुपी टू एंड रुपी फाइव द नंबर ऑफ रुपी टू कॉइन इज थ्री टाइम्स द नंबर ऑफ रुपी फाइव कॉइन्स द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज वन सिक्सटी हाउ मेनी कॉइंस ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद लगभग लगभग सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज कर दिया है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि टोटल आपके पास थ्री हंड्रेड रुपीज़ है किस फॉर्म में है एक रुपये में दो रुपये में और पाँच रुपये की फॉर्म में है ठीक है अब वो आपसे यहाँ पर ये यह कह रहे हैं कि जो आप पे दो रुपये के सिक्के हैं ना वो तीन गुना है पाँच रुपये के सिक्के के मतलब जितने भी पाँच रुपये के सिक्के होंगे ना तो तीन गुना हो जाएंगे दो रुपये के सिक्के उसके और टोटल जो सिक्के हैं वो आपके पास कितने हैं यहाँ पर वन सिक्सटी है तो फिर बताओ कितने सिक्के हैं वहाँ पर आपके पास नोट थे यहाँ पर सिक्के हैं और कोई फ़र्क नहीं है ठीक है तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर x लेना पड़ेगा तो चलो यहाँ लेट करते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से समझना लेट द नंबर ऑफ रुपीज फाइव कॉइन्स वो x मान लेती हूँ तो रुपीज टू कॉइन्स कितने होंगे मेरे पास वो कह रहा था इसके तीन गुना है तो वो थ्री एक्स हो जाएंगे पर मुझे रुपी वन भी तो निकालना पड़ेगा तो रुपी वन वाले कॉइन कितने होंगे उसकी तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो, तो टोटल कॉइन वन सिक्सटी है तो अगर वन सिक्सटी में से ये फाइव रुपए वाले कॉइन और ये टू रुपये वाले कॉइन माइनस कर दूँ तो फिर मेरे पास वन रुपए वाले कॉइन ही तो बचेंगे ये लो ठीक है ना अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था मेरे पास कि तो टोटल मेरे पास तीन सौ रुपये हैं तो इसका मतलब पाँच रुपये के मेरे पास एक्स कॉइन हो गए ठीक है प्लस दो रुपये के मेरे पास थ्री एक्स कॉइन है प्लस एक रुपये के मेरे पास वन सिक्सटी माइनस के फ़ोर एक्स कॉइन है सबको मिला के मेरे पास तीन सौ रुपये है ठीक है तो ये है मेरे पास फाइव एक्स प्लस यहाँ पर है सिक्स एक्स प्लस है यहाँ पर वन सिक्सटी माइनस का है फोर एक्स इज इक्वल्स टू में थ्री हंड्रेड एक्स वाले सबको प्लस माइनस कर दो सिक्स प्लस फाइव लेवन हो जाएगा लेवन में से फोर को माइनस करोगे सेवन एक्स हो जाएगा देखो ये वन सिक्सटी यहाँ पर प्लस का है इसको दूसरी साइड ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा सेवन एक्स इज इक्वल्स टू में वन फोर्टी अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये सेवन मल्टीप्लाई का है तो इधर आके डिवाइड का हो जाएगा तो x कितना आ जाएगा ट्वेंटी नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे पता चलेंगे फाइव रुपी वाले कॉइन मेरे पास थे x तो वो तो आ गए ट्वेंटी टू रुपीज़ वाले कॉइन मेरे पास थे थ्री एक्स तो वो आ जाएंगे थ्री इंटू में ट्वेंटी इसका मतलब हो जाएगा सिक्सटी वन रुपी वाले कॉइन्स मेरे पास थे यहाँ पर वन सिक्सटी माइनस का फोर एक्स तो वो मेरे पास हो जाएगा में तो एट्टी तो कॉइन्स तो निकल गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, भी है डाउट हो तो पूछ लेना चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे कह रहे हैं ऑर्गेनाइजर ऑफ एन डिसाइडेड दैट द विनर इन द कंपटीशन गेट्स ऑफ रुपीज हंड्रेड एंड अ पार्टिसिपेंट हुज नॉट विन गेट्स ट्वेंटी द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज रुपज़ थ्री थाउजेंड फाइन द नंबर ऑफ विनर इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज़ सिक्सटी थ्री कह रहा है एक ऐसे कॉम्पिटिशन हुआ था तो उसमें जो मतलब विनर था ना डिसाइड किया गया कि जो विनर था उसको सौ रुपये दिए जाएंगे और जिसने पार्टिसिपेट किया है लेकिन वो जीता नहीं एक तरीके से हार गया तो उसको ट्वेंटी फाइव रुपीज़ दिए जाएंगे ठीक है अब टोटल कितने पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए इस ऐसे कॉम्पिटिशन में थ्री थाउजेंड रुपीज और कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया 63 बच्चों ने तो बताओ कितने विनर थे तो विनर कितने थे विनर को मैक्स मान लेती हूं फिर लेट दी नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू एक्स ठीक है और जो नहीं जीते वो कितने होंगे फिर टोटल सिक्सटी थ्री थे अगर मैं सिक्सटी थ्री में से विनर हटा दूँ एक्स तो जो नहीं जीते वो ही बचेंगे फिर तो ठीक है तो यहां पर लिख देती हूँ नॉट विनर तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास सिक्सटी थ्री माइनस एक्स अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ तो जो विनर थे उन्हें सौ दिए थे तो हंड्रेड इंटू में एक्स हो जाएगा और जो नहीं जीते थे उन्हें ट्वेंटी फाइव रुपीज़ दिए थे तो ये थे वो जो नहीं जीते टोटल आपने थ्री थाउजेंड रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए ठीक है तो ये हो गया हंड्रेड एक्स प्लस इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा तो जब आप इन दोनों को इंटू करेंगे तो आपका आंसर आएगा वन फाइव सेवन फाइव माइनस अब देखो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई का है तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव एक्स यहाँ से करना बिल्कुल मल्टीप्लाई कहीं भी डाउट लगे तो पूछ लेना अब ये दोनों एक्स वाले नंबर को एक साथ सॉल्व करो तो ये हो जाएगा सेवनटी फाइव एक्स ये यहाँ पर प्लस का है इस वाले नंबर को दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का तो ये हो गया सेवनटी फाइव एक्स थ्री थाउजेंड में से आप इसको माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कितना वन फोर टू फाइव क्लियर है यहाँ तक अब आप क्या करो सिर्फ आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो वन फोर टू फाइव को सेवनटी फाइव से डिवाइड कर दो तो इस एक्स को सेवेंटी फाइव को इधर ले आई क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई का था तो इधर आके डिवाइड का हो गया एक्स आ गया नाइनटीन तो नंबर ऑफ विनर्स ही तो आपको निकालने थे तो टोटल सिक्सटी थ्री जन उन्होंने पार्टिसिपेट किया था पर उसमें से सिर्फ नाइनटीन ही ऐसे हैं जो जीते थे बाकी सब नहीं जीते क्लियर है ये था क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इसी के साथ हमारी आज एक्सरसाइज टू पॉइंट टू हमारी कंप्लीट हो गई है अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री कराऊंगी इस एक्सरसाइज में कहीं पर भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ लेना सारे क्वेश्चन की जो वीडियो है वो चैनल पर अपलोड है प्ले बनी हुई है वहाँ से आप चैप्टर वन एंड चैप्टर टू अपना शुरू कर सकते हैं एनसीआर से अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू